हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मेल विशी वी। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लिए ये वीडियो बेबी के लिए ही लेकर आई हूँ, क्योंकि सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने बेबी का रूटीन दिखाया कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो जब जब पॉसिबल होता है मैं तब दिखा देती हूँ, हर टाइम नहीं दिखा सकती। और अभी मैं आफ्टरनून हो रहा है, बना रही हूँ शिवी के लिए सैलेक। शिवी जो है मॉर्निंग में एक बार खा पी के ब्रेकफास्ट लेकर के सो गई थी, और आफ्टरनून हो रहा है तो यहाँ पर मैं शिवी के लिए सैलेक बना रही हूँ। और सैलेक मैं दो टाइम ज़रूर देती हूँ, तो ये टू टाइम्स का सैलेक फर्स्ट टाइम है, जो कि अभी शिवी को जो है घूमी घूमी करने जाना है। और शिवी यहाँ पर पे जो है थोड़ा सा टीवी के जो एड्स हैं उसको एंजॉय कर रही है, अदरवाइज़ वो खेलते खेलते भी खा लेती है। बट उसका ये है कि कुछ भी चीज़ें खिलाओ तो ऐसा नहीं है कि वो खाने से मना करती है, एक बार ट्राई ज़रूर करती है, अगर उसे पसंद नहीं आता तो वो ज़रूर मना कर देती है। यहाँ पे शिवी मुझसे कह रही है मम्मा चश्मा लगा लो, जो कि टूटा चश्मा है। और अभी वॉइस ओवर करते वक्त शिवी मेरे साथ बात कर रही है और देख भी रही है वीडियो। तो यहाँ पे मैंने देखिए चश्मा टूटा हुआ चश्मा भी लगा लिया। बच्चे कुछ भी करा सकते हैं अपने पेरेंट्स से। और अब शिवी को यहाँ पे देखिए घूमी घूमी का टाइम हो गया, तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही बज रहा है, 2:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर ले जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो है अभी थोड़ा खाली होता है पार। अदरवाइज जैसे जैसे शाम होती है तो ठंडी हवा भी बढ़ती है, और शिवी देखिए कितना खुश हो रही है, वो बहुत खुश होती है। मैं वीडियो देख करके मुझे खुशी हो रही है कि बच्चे जब हैप्पी होते हैं तो पेरेंट्स अपने आप ही उनके फेस पे हंसी आ जाती है। तो पार्क अभी खाली है, बट थोड़ी देर में ये पार्क भर जाएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चे ज़्यादा आते हैं तो मैंने नोटिस किया है शिवी उनके पीछे ज़्यादा भागती है, और चाहे अपनी बॉल लेकर जाओ वो फिर भी दूसरों की ही बॉल लेकर खेलेगी, दूसरों के से ही खेलेगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर के पास, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह जो है वो थोड़ी सेफ होती है, आंटियाँ वगैरह बैठी हैं धूप ले रही हैं, तो इस टाइम पे ही मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी हवा जो है वो फिर भी कम चलती है। शाम के वक्त जो हवा होती है वो अभी थोड़ी सी ठंडी है। दिल्ली में खैर वैसा वेदर आ गया कि आप स्वेटर ना पहने, तो चलो देखिए बच्चे आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे शिवी को इस पर बैठना था, झूलना था, तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और यहाँ पे शिवी से मैं बात कर रही थी, कुछ पोएम सुना रही थी, और वो उसका आंसर कर रही थी थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में। बट यहाँ पे बहुत शोर था, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तो वो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और अब शिवी को आ गई निन्नी, तो हम आ गए हैं घर पे रिटर्न। और इस तरीके से पहले मैंने शिवी के शूज़ वगैरह उतारे, उसकी जो इनर के ऊपर उसने टी शर्ट डाली थी वो उतारी, क्योंकि उसको सोना होगा। और अब यहाँ पे मैं पहले उसके हैंड वॉश कराऊंगी अच्छे से, फिर हाथ पैर धुल करके, मुँह धुल करके अच्छे से पहले उसे क्लीन करूँगी, और ख़ुद के भी हाथ पैर धुलूँगी और फेस वॉश करूँगी, और नॉर्मल पानी से ही करती हूँ। फिर उसके बाद शिवी को सुला करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे डिनर बनाने। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। अभी शिवी मेरे तो अभी तो शिवी उठ गई है, और पनीर की भुर्जी मैं बस ऐसी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ सामान था, और मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। शिवी को भी बहुत पसंद है पनीर, और ग्रेवी वाले से अच्छी उसे ये लगती है, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बस नॉर्मल तरीके से पनीर भुर्जी बनाई है, थोड़ी सी मटर डाल करके, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल करके। हालांकि मेरी बेटी शिमला मिर्च नहीं खाती है, बट मैं फिर भी डालती हूँ कि उसका फ्लेवर टेस्ट, और सब्जियों में जो भी आपको, किसी में आपको आयरन मिल रहा है तो किसी में प्रोटीन बहुत मिल रहा है, किसी में आपको विटामिन बहुत तरह तरह के मिल रहे हैं, तो आप सारी सब्जियों के फ्लेवर्स जो होते हैं वो आप बच्चों के एक एक बार कम से कम टेस्ट कराइए। अगर बच्चों को जो पसंद आता है देखिए, नोटिस कीजिए उसको, फिर वो आप बार बार खिलाइए, और दाल भी ऐसे खिला सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और यहाँ पे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से भूंज भूंज लूँगी। इसी बीच में मेरी शिवी फिर से उठ गई थी जब मैं ये डिनर प्रिपेयर कर रही थी, और हालांकि वो रोटी जब मैं बना रही थी तब वो उठ गई थी। तो मैं सारे बेसिक मसाले जो डेली यूज़ करती हूँ वो अपने बेबी के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैं कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ कि मैं अलग से कुछ कुकिंग करूँ और फिर बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से सब कुछ खाने आना चाहिए, नहीं तो अलग से ही सब कुछ बनाना पड़ेगा हमेशा के लिए, कि आज ये बना के ये अलग रखो। फिर वो तो स्टार्टिंग से दिया और वो खा भी लेती है बड़े प्यार से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं करते हों, जैसे कुछ चीज़ों में है शिवी नहीं खाती है, मीठा जो नहीं खाती है थोड़ा बहुत, और कुछ चीज़ें और नमकीन में भी है कि नहीं खाती जैसे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरीके से बन गई है, और यहाँ पर धनिया मैं डालना भूल गई थी, हरा धनिया, धनिया आप लोग डाल सकते हैं, बहुत ही यमी लगती है। शिवी उठ गई थी इसी वजह से, क्योंकि रोटी मेरी, जब मैं रोटी बनाती मैंने नोटिस किया शिवी मेरी हमेशा उठ जाती है। और यहाँ पे इनके डैडी आ चुके थे, बट फिर भी डैडी के आने के बाद भी वो यहाँ किचन में ही खेल रही थी और मस्ती कर रही थी, मम्मी पास बैठी थी और बर्तन दो चार लेकर बैठती है हमेशा,
वो कहती है मैं बेलन से जब रोटी बेलती हूँ तो उसे बेलन ज़रूर चाहिए, बट ऑब्वियसली मेरे पास एक ही बेलन है तो मैं बेलन दे दूँगी तो मैं रोटी कैसे बनाऊँगी, तो मैंने कुछ और दे रखा था। और जैसे ही मैं फटाफट रोटी बना रही थी कि उसको बेलन दे दूँ और पहले खाना खिलाऊँगी फिर बेलन दूँगी, नहीं तो वो नहीं मानती है। और यहाँ पर शिवी को आप कहेंगे सिर्फ रोटी सब्जी, तो मैं बताऊँ गर्मी के टाइम पर तो आप दही दे सकते हैं, बट अभी उतनी बच्चे के लिए नहीं है कि आप ठंडे में रात में वो भी दही दें, तो दही अभी मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। बट जैसे कि वो रोटी और सब्ज़ी और उसमें उसके कुहू की रोटी में मैं बटर जो है अमूल बटर लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वो रोटी का पूरा हिस्सा नहीं खाती, मैं बता दूँ वो फुलका खाती बहुत छोटे छोटे पीस का, और साथ में फिर वो सब्ज़ी जैसे आलू की सब्ज़ी होती तो आलू की बाइट लेती, अदरवाइज़ पनीर है तो पनीर का लेगी वो। अब देखिए यहाँ पर ये बोतल जो है ना इससे खेलने में शिवी को बहुत मज़ा आता है। ये कुकीज़ जो होती ये भी शिवी जो है लेकर आ गई थी, हालाँकि खाई नहीं, उसे पता है कि बस डिब्बा देख करके बच्चों को कलर चीज़ देख करके बहुत पसंद आता है, तो ठा लाई वो खेलने के लिए, खाया मैंने ही बल्कि। और ये देखिए पापस के ऐसे ही बंद करते हैं वो हाथ ऊपर मार करके, तो वो वैसे ही निकाल करके वो कर रही है। और मैंने यहाँ पे डिनर की प्लेट दिखाई कि बेबी देखो यहाँ पे बन गया डिनर, तो अब वो देख कर आएगी। और बस उसको ऐसे ही है कि जो चीज़ दिखती है खाने की पहले वो देखेगी, खुश होगी, फिर उसके बाद कभी हाथ पहले नहीं लगाती, नहीं हमारे हाथ से ही खाती है कि हम ऑफर करेंगे तभी। तो यहाँ पे डैडी जो है देखिए रोटी का थोड़ा सा बाइट लेकर के पहले दिया है और उसको पहले खाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे पनीर खिलाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।